नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में एनआरसी और कैप व दिल्ली में छात्रों के ऊपर अत्याचार को लेकर विरोध जारी। आजमगढ़ के शिबली कॉलेज के मुख्य द्वार पर आज महाविद्यालय के मुस्लिम हिंदू छात्राओं द्वारा एनआरसी कैप तथा दिल्ली के जामिया कॉलेज के छात्रों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्रों ने कैप के विरोध में नारे लगाए तथा छात्रों ने कहा कि यह सरकार की हिटलरशाही है तथा सरकार लाठी के बल पर एनआरसी लागू करना चाहती है तथा छात्रों और जनता के विरोध प्रदर्शन को दबाना चाहती है। वहीं आजमगढ़ की जनता द्वारा भी शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बसपा के विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, मैं जामिया का छात्र रह चुका हूं। आज ये सुन के कि बच्चों के हॉस्टल में घुस के पुलिस वालों ने छात्रों पर लाठियां चलाई हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। वहीं इस प्रदर्शन में सपा के वरिष्ठ नेता हवलदार यादव, सपा नेता परवेज अहमद, राम दर्शन यादव, कांग्रेस नेता नजम शमीम तथा नगर की जनता शामिल रही। आजमगढ़ से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हमारी आखिरी सांसों तक ये चलता है। अभी पुलिस जामिया में हम उसकी घोर निंदा करते हैं, बहुत बड़ी जाति हुई है। मैं तो जामिया का छात्र हूँ, मुझे मेरी आंखों से आंसू निकल रहा है। पुलिस ने हॉस्टल में घुस के बच्चियों पर लाठीचार्ज किया, लड़कों पे सोते हुए लाठीचार्ज किया, मस्जिद में घुस करके मारा गया है। तो बहरहाल एक बात बता दें कि जब जुल्म का इंतहा होती है तो कोई नया सवेरा निकलता है, और ये नया सवेरा निकलेगा। आज सारे देश के हिंदू मुसलमान भाई एक मंच पे खड़े होकर इस बात को कह रहे हैं गलत है और इस पे लानत भेज रहे हैं। और मैं आज आपको बता दूं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जापान के पीएम ने कहा, अपना दौरा रद्द कर दिया कि हिंदुस्तान में जाने लायक नहीं है। बहुत से देशों ने एडवाइजरी जारी कर दिया है, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे देश हैं, कि हमारे नागरिक इस वक्त भारत, इससे बड़ी बेइज्जती हमारी क्या हो सकती है। मैं तो मीडिया बंधुओं से अपील करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करके पहुंचाइए, ताकि ये लोग अपनी नींद से जागें और कुछ इंसाफ करें। इनको जनता ने चुन के इंसाफ के लिए रखा है, इसलिए नहीं रखा कि ये देश को हिंदू मुसलमान और महज एक वोट के लिए कुर्सी के लिए रखे। ऐसी कुर्सी जब करेंगे ऐसी कुर्सी, इसलिए मैं तो आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं और यह आंदोलन चलता रहेगा। हवलदार भाई भी कुछ कहेंगे, दर्शन भाई आप भी कुछ कहना।